राम राम किशन भाइयों, आज मैं आया हूँ अपने न्यू ओलेन की लॉन्चिंग पर। और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जो कंपनी ने न्यू ट्रैक्टर लॉन्च किया है, न्यू ओलेन का 3630 सुपर प्लस, जो कंपनी ने अभी कुछ नए बदलाव के साथ लॉन्च किया है। आइए ट्रैक्टर के ओवरऑल लुक से बात करते हैं। तो ये देख लीजिए ट्रैक्टर का कुछ लुक रहने वाला है, एक बार दूर जाकर बता दीजिए ट्रैक्टर का ओवरऑल लुक पूरा। आइए ट्रैक्टर के फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। तो इस ट्रैक्टर में आपको जो फ्रंट वेट जो है वो चेंज कर दिया गया है। पहले आपको इसमें जो वेट आता था वो थोड़ा पास में मिलता था, तो थोड़े कम केजी का था। अब इसमें आपको वेट भी बढ़ा दिया गया है और इसका जो ओवरऑल लुक है वो भी इसका एनहेंस कर दिया गया, क्योंकि ये जो पहले कंपनी का जो था वो पास में आता था, अब इसको थोड़ा इससे जो उसका एक्सल है फ्रंट उससे थोड़ा दूर कर दिया गया है, जिसकी सहायता से इसका जो वेट है वो टायरों पर सही साइड पड़ेगा, क्योंकि फोर व्हील ड्राइव होने के साथ साथ ट्रैक्टर में आगे वेट होना भी जरूरी है। अगर ट्रैक्टर में आगे वेट नहीं है तो 4x4 का इसका कोई भी मतलब सेंस रहने वाला नहीं है। अब इसके हेडलाइट की बात कर लेते हैं, तो आपको इसमें कुछ चौकोर स्टाइल में हेडलाइट मिल जाते हैं, जिसमें कि आपको LED DRL के साथ में इसके फ्रंट हेडलाइट है वो दिए गए हैं। यहाँ पर देख लीजिए न्यू ओलेन का आपको 3D के साथ लोगो मिल जाता है। एयर क्लीनर की अगर बात करें तो आपको इसमें 3-स्टेज टाइप का आपको इसमें प्री एयर क्लीनर मिलता है, जो कि ऑयल के साथ में आता है, काफ़ी शानदार तरीके से ही अपनी जो हवा है उसको स्वच्छ करता है। इसी मॉडल में जो इसका स्पेशल एडिशन आता है उसमें आपको इसका जो ड्राई टाइप का एयर फिल्टर मिल जाता है, इसमें अपना ऑयल वाला है उसमें आपको सूखा मिल जाता है। आइए फ्रंट एक्सल की बात कर लेते हैं। तो आपको इसमें जो इसका फ्रंट काफ़ी हेवी ड्यूटी आपको इसमें फ्रंट एक्सल मिल जाता है, काफ़ी शानदार ही बात होने वाली है। उसके साथ साथ इसमें आपको सिंगल शिफ्ट अपने इसमें सिंगल एक्टिंग आपको इसमें देख लीजिए पावर स्टीयरिंग आपको इसमें मिल जाती है, काफ़ी शानदार बात रहने वाली है। उसके साथ साथ अब अगर हम स्टिकरिंग की बात करें तो आपको इस ट्रैक्टर में स्टिकरिंग चेंज मिल जाती है, पहले जो आती थी उस हिसाब से नहीं, अब आपको CID है जो इसका मॉडल है अपने 5620-5630 वगैरह, उस हिसाब से आपको कंपनी ने इसमें स्टिकरिंग वगैरह कर दी गई है। देख लीजिए 3630 न्यू ओलेन की यहाँ पर आपको स्टिकरिंग मिल जाती है। साथ साथ साइड से इसके लुक की बात करें तो यहाँ पर आपको जो इसका जो साइलेंसर है वह भी बाहर निकाल दिया गया, पहले जो बोनेट के अंदर आता था। काफ़ी किसान भाइयों की थी डिमांड कि इसको साइड में किया जाए, तो इसको साइड में भी कर दिया गया है और काफ़ी शानदार ही आपको साइलेंसर यहाँ पर मिल जाता है। आवाज़ में भी बदलाव है ट्रैक्टर की, पहले की तुलना में काफ़ी क्रिस्प और शानदार साउंड कर दिया गया है। यहाँ पर देख लीजिए आपको कुछ वार्निंग का आपको यहाँ पर मिलता है, अगर ट्रैक्टर वगैरह आप चला रहे हैं तो आपका जो हाथ है वो इस तक ना पहुँचे, इसके लिए यहाँ पर आपको कंपनी ने दिए गए। आइए अब इस ट्रैक्टर के हम टायर साइज़ की बात कर लेते हैं। तो इसका फ्रंट टायर देख लीजिए आपको 9524 का आपको इसमें फ्रंट टायर, वहीं बैक टायर साइज़ की अगर बात करें तो आपको इसमें 1628 का बैक टायर साइज़ मिल जाता है। अब हम इस ट्रैक्टर के जो इंजन स्पेसिफिकेशन है उनकी बात कर लेते हैं। तो ये ट्रैक्टर आपको पूरा का पूरा 50 HP का आपको ये मिलने वाला है, 50 HP कैटेगरी का ट्रैक्टर है। इसके इंजन सीसी की अगर हम बात करें तो इंजन सीसी आपको इस ट्रैक्टर में जो है वो 3030 CC का आपको इसमें FPT अपना जो इवेको का जो न्यू ओलेन का खुद का ही इंजन है वो आपको इसमें मिलता है। वहीं साथ साथ अगर हम इसके लिए अपने जो PTO HP की बात करें तो 46 HP की आपको इसमें PTO पावर मिल जाती है। वहीं साथ साथ अगर हम इसके रेटेड RPM 2100 रेटेड RPM पर अपनी मैक्स पावर जो है वह ट्रैक्टर प्रोड्यूस कर देता है, काफ़ी शानदार बात होने वाली है, बहुत ही शानदार ट्रैक्टर कंपनी लॉन्च किया गया है। वहीं अगर बैक एक्सल की बात करें हम तो आइए आपको इसके बैक एक्सल की बात कर लेते हैं। तो इसमें देख लीजिए आपको हब रिडक्शन वाला आपको इसमें बैक एक्सल मिलता है, काफ़ी शानदार खिंचाई रहने वाली है ट्रैक्टर की। हब रिडक्शन होने की वजह से क्या है कि ट्रैक्टर की जो लेंथ है वो बढ़ जाती है, जिसकी सहायता से इसकी जो खिंचाई है अदर ट्रैक्टर्स के मुकाबले इसकी जो है वो काफ़ी शानदार रहने वाली है। PTO HP की बात कर लेते हैं हम, तो PTO HP आपको इसमें 46 HP की आपको इसमें PTO पावर मिल जाती है। वहीं लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात करें तो आपको इसमें 2200 kg की जो है वो लिफ्टिंग कैपेसिटी मिलती है, 1700 kg तो आपको इसमें ट्रैक्टर में मिलती ही मिलती है, साथ में जो इसमें जो पंप लगा हुआ है उसकी सहायता से इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है, तो अपनी जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो इन्हेंस इससे हो जाती है। अब हम अगर लिफ्ट की बात ही कर रहे हैं तो लिफ्ट सेंसिंग की भी बात कर लेते हैं, तो आपको इसमें 3 पॉइंट सेंसिंग के मिलते हैं। 3 हिसाब से आप अपनी लिफ्टिंग जो है अपने ज़मीन के हिसाब से, कठोर व नरम के हिसाब से अपनी जो है उसके हिसाब से सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए साथ साथ ही आपको एक लॉक मिलता है, अगर उपकरण आप अपना खेत ले जा रहे हैं तो अपना इस लॉक को कर दीजिए, और अपने अगर यूज़ ले रहे हैं उसका तो इस लॉक को ऐसे कर दीजिए, जिसकी सहायता से आप अपना लिफ्टिंग की जो है सेंसिंग है उसका यूज़ कर सकते हैं। लॉक हो जाएगी तो आपकी सेंसिंग काम करना बंद कर देगी, तो उससे क्या होता है कि लिफ्ट की जो लाइफ है बढ़ जाती है। साथ साथ ही इसमें जो इसका एक स्पीड का यहाँ पर लीवर मिलता है, जिसकी सहायता से आप अपनी जो
इसके लिफ्ट की क्षमता है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, ऊपर उठना नीचे वो उसकी कर सकते हैं। डबल डिस्ट्रीब्यूटर भी आपको यहाँ पर ऑक्सरी वाल्व जो है कंपनी फिटेड ही आपको इसमें मिल जाते हैं। ब्रेक इसके इंडिकेटर की बात करें तो आपको LED टाइप में आपको इसके इंडिकेटर मिल जाते हैं, काफ़ी शानदार बात रहने वाली। ब्रेक में आपको एक हेडलाइट मिल जाता है, यहाँ पर एक रिफ्लेक्टर, वहीं साथ साथ अगर इसके एक और ख़ास फंक्शन की बात करें तो आपको इसमें मिलता है ROPS। ROPS का मेन इसमें ट्रैक्टर में यह ध्यान रखा गया है क्योंकि यह बिल्कुल एक्सल से फिटिंग आता है, बिल्कुल एक्सल के ऊपर। इसके जो मडगार्ड है वो जो है ROPS के ऊपर है, ना कि मडगार्ड के ऊपर ROPS है। जो आफ्टर मार्केट जो किसान भाई लगा लेते हैं उसमें क्या होता है कि यही जो ROPS है ये वाला जो ये इसको बोनट के ऊपर कर देते हैं, जिसकी सहायता से अपने जो उसकी मजबूती है वो कम हो जाती है। कंपनी फिटेड लेने का फ़ायदा यह है कि ये बिल्कुल अपने जो एक्सल है उसके साथ ही आपको फिटिंग मिलती है, और जो बोनट है देख लीजिए आप, बता दीजिए एक बार कि ये बोनट के ऊपर इसको बिल्कुल रखा गया है, इस साइड से देख लीजिए आप, बहुत ही शानदार फिटिंग आपको इसकी मिलती है। अगर आपका किसान का अगर चलाते हुए भगवान न कर ऐसा हुआ लेकिन अगर आपका जो ट्रैक्टर है वो एक्सीडेंटली उल्टा भी हो जाता है तो ROPS इतना मजबूत है कि वह ट्रैक्टर का वेट आसानी से उठा सकता है और किसान को कुछ भी नहीं होगा। आइए अब हम इसके डैशबोर्ड की तरफ चलते हैं और इसके डैशबोर्ड की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए आपको हीट गार्ड मिल जाते हैं, पहले नहीं आते थे, अब आपको इसमें हीट गार्ड की सुविधा भी कर दी गई है। साथ साथ इसका जो प्लेटफॉर्म है वो जो इसका जो अदर मॉडल है उससे भी ऊंचा कर दिया गया है, देख लीजिए डबल पायदान भी कर दिए गए हैं आपको, पहले सिंगल पायदान आता था अब आपको इसमें डबल पायदान दे दिया गया है। आइए अब हम ऊपर चढ़कर इसके डैशबोर्ड वगैरह की बात करते हैं। ये देख लीजिए ट्रैक्टर का कुछ ऊपर से लुक है, यहाँ पर देख लीजिए आप, काफ़ी शानदार ही। अगर किसान भाई लंबे समय तक भी ट्रैक्टर को चलाएगा तो कोई भी समस्या परेशानी वगैरह उसको होने वाली नहीं है, क्योंकि कंपनी ने जो है इसमें सारे कंट्रोल्स जो हैं वो किसान की पहुंच में ही रखे गए हैं। इसके गियर लीवर की बात करें, लिफ्टिंग कंट्रोल की बात करें तो सारे ही आपको इसकी पहुंच में मिल जाते हैं। वहीं अब अगर हम बदलाव की बात कर रहे हैं तो बदलाव की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको देख लीजिए डिजिटल वाला आपको इसमें मीटर मिल जाता है, LED के साथ में आता है, एक बार मैं ऑन करके बता देता हूँ मैं आपको, देख लीजिए LED के साथ में आपको इसका जो इसका मीटर है वह मिल जाता है आपको यहाँ पर, देख लीजिए एक मिनट चालू करके बताता हूँ, ये देख लीजिए काफ़ी शानदार बात होने वाली है। उसके साथ साथ ही अगर हम इसके अदर लीवर वगैरह की बात करें तो यहाँ पर स्टीयरिंग कुछ इस स्टाइल में, एंड रेस का लीवर कुछ यहाँ पर आपको मिल जाता है, वहीं यहाँ पर आपको स्विच मिल जाते हैं अदर अपने जो कंपनी द्वारा दिए गए हैं, अपने मल्टी वाला आपको स्विच मिल जाता है इसमें, एक ही लीवर में आपको सारे फंक्शन दिए गए हैं, अपना पार्किंग वाला देख लीजिए आप, हॉर्न का, वहीं इंडिकेटर का, सारे आपको लीवर एक ही में मिल जाते हैं। उसी के साथ साथ अब अगर हम गियरबॉक्स की अगर बात करें तो आपको इस ट्रैक्टर में 12+3 UG गियरबॉक्स वाला आपको इसमें मिल जाता है, मतलब 12 स्पीड फॉरवर्ड पर 3 रिवर्स। यहाँ पर देख लीजिए अब हाई लो मीडियम के साथ में आता है, वहीं यहाँ पर 1, 2, 3, 4 प्लस रिवर्स का आपको यहाँ पर मिल जाता है, मतलब कि 12 फॉरवर्ड वही आप 3 स्पीड अपनी रिवर्स में ले सकते हैं। लिफ्टिंग कंट्रोल की अगर बात करें तो आपको लिफ्टिंग के जो कंट्रोल है वो कुछ यहाँ पर दिए गए हैं, देख लीजिए काफ़ी शानदार बात। वहीं साथ साथ इस ट्रैक्टर में आपको लिफ्टोमेटिक का जो है वो न्यू होलैंड कंपनी जो हर ट्रैक्टर में देती है वो आपको इसमें मिल जाता है, मतलब अगर आप अपनी लिफ्ट को एक बार सेट कर देंगे तो आपको बार बार अपने लीवर वगैरह है वो छेड़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं रहेगी। यहाँ पर आपको पल्टी प्लाव के लिए, ट्रॉली वगैरह, हाइड्रोलिक के लिए आपको यहाँ पर लीवर मिल जाता है, जिसकी सहायता से आप अपने हाइड्रोलिक वगैरह जो है उनको अपने सहायता से कर सकते हैं, मतलब आपको कंपनी फिटेड ही मिल जाते हैं, देख लीजिए डबल डिस्ट्रीब्यूटर जिनको हम कहते हैं। उसके साथ साथ ही आप यहाँ पर कंपनी जो है अदर कंपनी वो आप जो डिफरेंशियल लॉक है उसको भी हटाना बंद कर रही है, तो कंपनी ने वो भी रखा गया है, बहुत सी कंपनी आप उसको हटाना बंद कर रही है। वहीं क्लच की अगर हम बात करें तो आपको इसमें डबल क्लच मिल जाता है, ये देख लीजिए इंडिपेंडेंट पीटो लीवर के साथ में आता है, एक अपना सिंगल क्लच, वहीं इसे डबल क्लच जो अपना PTO के लिए यूज़ होता है वो यहाँ पर आपको मिल जाता है। ब्रेकिंग की अगर बात करें तो ऑयल इमर्स्ड मल्टी डिस्क ब्रेक मिलते हैं, मतलब कि ऑयल में डूबे हुए ही ब्रेक मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके जो ब्रेक है वो उसके ऊपर ऑयल स्प्रे हो रहा है या फिर कुछ हो रहा है, मतलब ऑयल में डूबे हुए ही आपको इसके ब्रेक मिलते हैं। न्यू होलैंड की काफ़ी अच्छी ही रोड पर जो कंट्रोलिंग रहती है बहुत ही शानदार कंट्रोलिंग मिलने वाली है आपको इसमें। अब हम इसके जो सेफ्टी वाइज फीचर्स हैं उनकी बात कर लेते हैं और जो कंपनी में दिए गए हैं उनकी, तो यहाँ पर देख लीजिए आपका जो सीट है काफ़ी शानदार ही कुशनिंग के साथ में आती है सीट, आरामदायक, लंबे समय तक भी अगर किसान ट्रैक्टर को चलाएगा तो कोई भी समस्या परेशानी वगैरह उसको होने वाली नहीं है। उसके साथ साथ ही इसमें आपको सीट बेल्ट का ऑप्शन भी मिल जाता है, किसान की सुविधा को देखते हुए कंपनी ने ये भी आपको इसमें मिल जाता है।
उसके साथ साथ अब अगर हम ट्रैक्टर के ओवरऑल लुक की एक और बार बात करें तो देख लीजिए ट्रैक्टर का ओवरऑल कुछ लुक है, काफ़ी शानदार ही ट्रैक्टर का लुक होने वाला है। ROPS के साथ में आपको ये ट्रैक्टर मिलने वाला है। अगर अब हम इस ट्रैक्टर के प्राइसिंग वगैरह की बात करें तो अब अगर हम इस ट्रैक्टर की प्राइसिंग वगैरह की बात करें तो आपको जो 4x4 वाला मॉडल है जो ये अभी अवेलेबल है यहाँ पर देख लीजिए आप, 4x4 मॉडल की अगर प्राइसिंग की बात करें तो आपको इसमें 10.5 लाख का आपको ऑन रोड मिल जाएगा, मतलब कि पूरा RTO वगैरह सब कुछ मिलाकर आपको 10.5 लाख में ये ट्रैक्टर मिलने वाला है। किसान अगर अपने लिए 50 HP का कोई भी ट्रैक्टर देख रहा है तो उसके लिए बहुत ही शानदार ट्रैक्टर होने वाला है। न्यू होलैंड का 3630 सुपर प्लस कंपनी ने न्यूली लॉन्च किया ट्रैक्टर को, काफ़ी शानदार ट्रैक्टर है। देख लीजिए ट्रैक्टर की स्टार्टिंग देख लीजिए, काफ़ी सॉफ्ट और ट्रैक्टर का साउंड जो है वो भी साइलेंसर चेंज होने की वजह से चेंज हो चुका है। देख लीजिए काफ़ी सॉफ्ट और क्रिस्प साउंड होने वाला है ट्रैक्टर का, काफ़ी शानदार ही साउंड करता है ट्रैक्टर। अगर आपको इस ट्रैक्टर की और भी जानकारी देखना है, डीलर से जो हमने बात की है सर जो है उन्होंने सही तरीके से और एक्सप्लेन किया है वो अगर वीडियो देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। वहीं साथ साथ हमारे YouTube चैनल MP11 फार्मिंग पर आपको वीडियो मिल जाएगी, वो भी वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं। और अगर इस ट्रैक्टर से या फिर अदर ट्रैक्टर से जुड़ी सारी जानकारी अगर आपको देखना है तो आप हमारे YouTube चैनल MP11 फार्मिंग को सब्सक्राइब कर दें, वहाँ पर आपको लेटेस्ट फार्मिंग से रिलेटेड जानकारी मिलती रहेगी। और भी इस ट्रैक्टर के ऊपर हम वीडियो लाने वाले हैं तो आप बने रहिए हमारे साथ, हम बहुत सारी वीडियो लेकर आपके सामने आने वाले हैं। धन्यवाद।